ओके okay. तो चैप्टर नंबर थ्री में कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेबल्स पढ़े थे रेडी किया ना अब मैं इन बिटवीन पूछूंगा आई नो मैं भी रात को पता लगाऊंगा जब कल जाना होगा तुम भी ऐसा करना चलो सो फार्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड सिंपल कंपाउंड के फार्मूला किस तरह से रेडी होते हैं दो जिसमें दो ही एलिमेंट है उसको हम बाइनरी कंपाउंड्स बोलेंगे कौन से कंपाउंड बोलेंगे वैलेंसी ऑफ आर गिवन इन टेबल। देखा हमने कल पूरा हाइया ना यस और दो तो बोलो हार्दिक एल्यूमिनियम के माथे क्या होता है एल्यूमिनियम के अपसाइड क्या होता है चार्ज बैलेंस वैल, नहीं जो ऊपर होता है ना ठीक क्या बोलो हार्दिक ही बोलो बाकी दुनिया तो क्या है? सब बोलती रहेगी आंसर तो तुम्हें देना है दुनिया का मत सुनो तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या होगा पक्का कहाँ से मिला फोर्स सही है घबरा मत मंथन ओके ध्यान जाके एमोनियम में भी प्लस वन आता है एनएच फोर प्लस वन ओके चलो कोई बात नहीं तो वैलेंसेस ऑफ सम आयन आर गिवन इन द टेबल जो अभी हमने देखा था यू यू कैन यूज दिस टू राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड वेल राइटिंग द केमिकल फॉर्मली कंपाउंड वी राइट हाइड्रोजन एंड क्लोरिन दिख रहा है हाई या क्लोराइड नहीं मतलब क्लोराइड मतलब क्लोरिन चलो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता था वैलेंसी वैसे माइनस वन भी पॉसिबल है बट यहां पे हाइड्रोजन पहले है मतलब कि पॉजिटिव होगा समझ में फिर क्लोरीन जो है वो पीछे है तो नेगेटिव होगा तो हाइड्रोजन का वन और क्लोरीन का भी माइनस वन यानी वन वन मैग्नेट्यूड वाइज देखे तो वन वन तो ऐसे क्रॉस होगा तो हाइड्रोजन वन लेना है क्लोरीन वन लेना है तो क्या बन गया एच अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें किसकी बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड तो हाइड्रोजन सल्फर चलो हाइड्रोजन के नीचे क्या होगा वैलेंसिंग वन सल्फर के नीचे क्या ट्रिक, ट्रिक सिखाया था हरे ओ ससे तेरा फोन नंबर दे सिखाया था वो सबके माथे पे माइनस टू आता है ऑक्सीजन सल्फर टेलोरियम ओके बट अभी हम ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ डील करने वाले तो ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस टू और सल्फर के ऊपर भी तो माइनस टू माइनस अभी हम नहीं लिखेंगे वैसे भी हमने राइट हैंड साइड लिखा तो वो माइनस ही है ये टू हो गया और ये क्या हो गया करेंगे हाइड्रोजन और सल्फर एक वाटर में देखो एच एंड हाइड्रोजन के मानते कितना वन और ऑक्सीजन का टू क्रॉस ओवर करेंगे तो एच टू ओ क्या बन गया एच टू ब्लो गो डाउट कन्फर्म वाइज कार्बन टेट्रा क्लोराइड वैसे नाम में टेट्रा आ गया है तो चार क्लोरीन चार हो गए लेकिन फिर भी कार्बन एंड क्लोरीन लिखेंगे तो कार्बन के नीचे कितनी वैलेंसी होगी चार क्लोरीन का वन तो कार्बन वन हो जाएगा और क्लोरीन कितना हो जाएगा चार आ गया हाँ या ना सीसीएल फोर यस और नो तो चलो मैग्नेशियम क्लोराइड तो मैग्नेशियम लिखा फिर क्लोरीन लिखा मैग्नेशियम की वैलेंसी क्लोरीन का तो क्रॉस ओवर होगा तो क्या बनेगा अब रियल वाला देखते हैं चलो कैल्शियम क्लोराइड तो मैं यहाँ पे प्लस टू लिखूंगा कैल्शियम प्लस टू बेटा मांगे कार स्कूटर वाला याद आया तो सी ए प्लस टू और क्लोराइड का सेल में, जो मैं नीचे लिख रहा था ना वो एक्जैक्टली exactly मैंने चार्ज के साथ लिखा देखा अब फिर मैं क्रॉस ओवर करूंगा लाइक दिस तो सी ए वन और सी एल टू

फॉर्मूलाइक दिसनस वन देखो क्रॉस किया एब आयोनिक ना इन मैग्नेशियम क्लोराइड देरारो क्लोराइड आएन सी एल माइनस फॉर ईच मैग्नेशियम एम जी प्लस टू आय हाउ मेनी क्लोराइड आयन टू फॉर द ईच वन ईच वन मैग्नेशियम के लिए दो क्लोरिन है दॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस ईच अदर एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी क्योंकि ये प्लस टू था और ऐसे माइनस वन वाले दो लेंगे हम तो माइनस टू हो जाएगा तो माइनस टू प्लस टू बिकम जीरो जीरो मतलब न्यूट्रल नॉट दैट इज इन फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयस आर नॉट इंडिकेटेड जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो आयन्स को चार्ज इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है जब आयन्स सेपरेट लिखते हो तब ऐसा चार्ज आएगा लाइक दिस वन सी एल टू प्लस एंड सी एल माइनस जब साथ में फॉर्मूला लिखते हो तो तब तो कोई चार्ज आता नहीं बोलो को डाउट कुछ अनदर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जैसे इन लोगों ने लिखा क्या है यहाँ पे बट फिर नीचे क्या कर दिया एल हम करेक्ट करेंगे एल्यूमिनियम का क्या आएगा एल ऑक्सीजन का ओ बट आपको पता है ना एल्यूमिनियम के माथे अभी पूछा था बोलो ऑक्सीजन के माथे क्या आएगा किसको आता है माइनस टू तो एक क्रॉस ओवर होगा ए टू ऐसे नीचे आएगा और ए थ्री ऐसे नीचे जाएगा तो क्या बनेगा एल टू ओ थ्री एल टू ओ थ्री विच इज नॉन एज एल्यूमिना उसको क्या बोलते हैं एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों चलेगा बोलो गो डाउट तो अब जो ए जो है ना वो वो कैल्सियम का कर दिया है इन लोगों ने किसका कर दिया है जो नीचे पूछा भी है और उन्होंने नीचे वापस भी किया है देखो किया है ना तो सी ए के नीचे क्या गया प्लस टू के नीचे क्या आ गया अब तो सेम हो गया सेम हो गया तो टू ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है सी ए टू ओ टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टू टू तो तो हो जाएगा, टू टू तो क्या हो जाएगा वन, तो हम क्या लिखेंगे सी ए ओ वन जेम वन आया समझ में हाँ या ना हियर द बैलेंसेज ऑफ टू एलिमेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करते दो दो से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा One -one आ जाएगा क्लियर हाई या ना बोलते जाओ यस और नो हाँ एन ए मतलब सोडियम नाइट्रेट मतलब एनओ थ्री माइनस हम तो ऐसे लिखते थे ना एन ए प्लस एनओ थ्री माइनस ए प्लस वन ए माइनस वन दोनों एक एक आएगा चलेगा यस तो क्या बन जाएगा एन ए एन थ्री फिर कैल्सियम में हम क्या लिखते थे उसके माथे प्लस टू और हाइड्रोक्साइड ओ OH एच माइनस याद आया लिखा आपने अच्छे से घर पे प्रैक्टिस की उसकी यस और नो ओके तो यहां पे आप ध्यान दो सी एच अब देखो बेटा अब ये तो दो एटम है आया ना जो ये दो नीचे जाएगा वन तो यहाँ पे जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है ये दो अलग अलग एलिमेंट के एटम है यस और नो एंड दैट्स ब्रैकेट करना पड़ेगा और फी टू लिखना पड़ेगा इट अगर आप ब्रैकेट के बिना टू लिखोगे तो कैसा होगा वो मैं बता देता हूँ ऐसा होगा तो ये क्या बता रहा है एक कैल्सियम है एक ऑक्सीजन है और दो लेकिन क्या बता रहा है एक कैल्सियम है दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन दिस तो इज द करेक्ट वन दिस इज द रॉन्ग आया समझ में तो वेन यूर आयन इज पोलियटोमिक कल बताया था आपको पोलियटोमिक आयन के बारे में जिसमें एक से ज्यादा एटम हो देन यू हैव टू ड्रो द ब्रैकेट आपको क्या ड्रो करना पड़ेगा ब्रैकेट बोलो कोई डाउट कंफर्म पक्का ओके okay. तो देखो ये आ गया सीए ओ एच टाइस बोला ना जैसे मैंने बात किया कैल्सियम हाइड्रोक्साइड इज एस सी एच टीएच ऐसे नहीं लिखेंगे कैसे बोल रहा हूं मैं इसको सी एच हूं और ये कैसे बोल रहा हूँ सीएओएच टू एच टू ऐसा बोल रहा हूं मैं गॉट इट सो ये तो गलत ही है वी यूज द ब्रैकेट वेन वी हैव अ टू और अ मोर सेम आयंस इन द दमूला

ऑक्सीजन एंड और हाइड्रोजन के ओ एच ओ एच लिखने का मतलब है उसके अंदर दो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन क्लियर हुआ है या ना ऐसा दूसरा भी एग्जाम्पल है देखो पढ़ो क्या नाम लिखा है सोडियम कार्बोनेट किसने कैल्सियम पढ़ा क्या लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम का मस्ती की हो गया आके तेरा अकेले का तो तो मस्ती बंद हो जाए जाते उधर देखो सोडियम कार्बोनेट सोडियम का क्या सिंबल है Na कार्बोनेट का CO3 2- वैसे हम है ना मैं आपको वही लिखाने का प्रिपेयर करूंगा लाइक दिस C Na+ plus CO3 2- दिखा आपने आया हाँ ना तो आप ये 2 नीचे लाओगे लेकिन अब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं करोगे क्यों ब्रैकेट नहीं करेंगे एक ही एलिमेंट है अकेला एलिमेंट है आया समझ में दो लेटर वगैरह नहीं देखना है एलिमेंट का सिंबल देखना है जैसे कि सोडियम जो है वो एक ही है एन ए ट्री गॉड इट डाउट कंफर्म दैट इज एन ए टू सीओ थ्री इन द अब एग्जाम्पल ब्रैकेट आर नॉट नीडेड इफ देर इज एन वन आयन प्रेजेंट बट अगर आप एमोनियम सल्फेट की बात करें तो आपको याद है ना एमोनियम क्या पड़े हम एन एच फोर प्लस सल्फेट क्या पड़े है SO4 2- टू माइनस एट टू ऐसे नीचे जाएगा हम कभी ऐसे नया जो हम समझ रहे इसलिए हम चार्ज नीचे लिख रहे बाकी हम आगे जाके ऐसा ही करने वाले ऐसा लंबा नहीं करने वाले हम ऐसा लिखेंगे पहले एन फिर एसओ फिर नीचे उसका चार्ज किसी सीधा आयन लिखेंगे एन एच फोर प्लस फोर टू माइनस यही पता है ना हमें हमने टेबल में कल यही सिखा था ना तो ए टू ऐसे नीचे जाएगा और ए प्लस वन इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा तो बोलते हैं NH4 बट ए तो अभी एक से ज्यादा आइटम है कि नहीं एलिमेंट्स भी एक से ज्यादा है या नो दो एलिमेंट है कि नहीं नाइट्रोजन एन हाइड्रोजन तो वो पूरा क्या होगा ए टू इसके नीचे जाएगा ऐसे डबल और ए एसओ फोर एक ही बार आएगा ये पक्के से समझ लेना है फिर टेंथ में जाके सर मत खुजाना आपने समझ में आया केमिकल फॉर्मूला बना कैसे क्रॉस से उसके माथे का चार्ज याद रखा चार्ज याद रखने के लिए कल मैंने टेबल बताया था कुछ ट्रिक्स वगैरह दी थी कुछ ऐसे ही याद रखने को बोला था याद रखने से सिंपल से है आप प्रैक्टिस करोगे उतना याद रख जाएगा रह जाएगा हाई या ना यस नो फिर ये चार्ज वाला याद रह जाए फिर आपको क्रॉस करना है पॉजिटिव आगे नेगेटिव पीछे एंड देन जस्ट क्रॉस इट आप उसको क्या करोगे क्रॉस करोगे बोलो कोई डाउट तो एन एच फोर ट्वाइस एसओ फोर हो गया एमोनियम सल्फेट क्या हो गया एमोनियम सल्फेट कोई डाउट है तो बोलो ओके आगे बढ़ते हैं। बढ़तेप्टुलर मास mole की बात करते हैं आगे हमने atomic mass के बारे में पढ़ा होगा। आया ना समीर सर ने पढ़ाया था याद आया ओके दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट दॉट मोलिकुलर मास क्योंकि एटॉमिक मास के बाद हम मोलिकुलर मास पे तब आते हैं जब हमने देखा था कि एटम्स कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म द मोलिकुल

एटम का मास एएमयू में डिफाइन किया जाता था अब जो है वो एएमयू की जगह पे यू में डिफाइन किया जाता है दैट इज यूनिफाइड यूनिफाइड मास 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 बोलो डाउट कंफर्म पक्का ना ओके okay. तो हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर वाटर का मोलिकुलर मास फाइंड करना है तो मोलिक्यूल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वाटर का फॉर्मूला क्या है एच मतलब उसमें कितने हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन कितना है वन आपको साथ में ए भी याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास वन एमयू है कितना है एएमयू बोलो या यू बोलो बोथ आर इक्वल पहले एएमयू बोला जाता था अब हम क्या बोलते हैं उसको यू यूनिफाइड मास ओके सिंबल में यू बोलते हैं लिखने में तो वही लिखते हैं एटॉमिक मास यूनिट आया समझ में आया हाँ ना तो हम क्या लिखेंगे वन फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट है 8 का ऑलमोस्ट डबल कितना हो गया सिक्सटीन तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना है तो सबसे पहले डेटा बना लिया एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वन एंड ऑक्सीजन 16 तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है दो और ऑक्सीजन एक तो मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा टू इंटू वन प्लस वन इंटू सिक्सटीन तो टू प्लस सिक्सटीन रेडी वो घर से याद रख के जाना है आपको सीधा पूछे मोलिकुलर मास ऑफ वाटर तो वाटर का फॉर्मूला भी याद रख के जाना है आया समझ में इफ आई आस्क मोलिकुलर मास ऑफ एमोनिया ओके तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे मोलिकुलर मास ऑफ एमोनिया इक्व टू लिखोगे एटॉमिक पूरा लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस थ्री हाइड्रोजन है ना तो थ्री इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन चलो नाइट्रोजन का एटोमिक मास फोर्टीन ए याद रखना है मेन मेन ये चीज याद रखनी है ए याद नहीं रखा तो मर जाओगे याद ही नहीं रहेगा तो फिर कैलकुलेट कैसे करोगे ये चैप्टर में याद रखने वाली चीजें बहुत ज्यादा है जो आज नहीं करोगे तो कल तो करनी है टेंथ में टेंथ में नहीं करोगे तो इलेवेंथ में करनी है तो आज से ही कर लेना हाइया ना कि तीन साल मार्क कटवाना है इसकी वजह से तो अभी से याद रखना स्टार्ट करेंगे याद रखने के लिए इसका रट्टा लगाने नहीं बैठना है आपको क्या करना है उसको रिपीटेशन में लेना है आपको खुद ब खुद कैलकुलेट करने बैठना है आया समझ में तो नाइट्रोजन का फोर्टीन प्लस थ्री इंटू हाइड्रोजन का कितना वन तो फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन यू सेवनटीन यू, यूनिफाइड मास हो गया आया समझ में यूनिट लिखेंगे हम यू बोलो को डाउट पक्का वैसा जैसे मैंने एमोनिया सिखा दिया तो अब काम आ गया एच एन थ्री में क्यों HNO3 में आपको का एटोमिक नंबर है, है? है हाईली बेबो काना याद आया वो सीरीज आपने किया कि नहीं किया कितने लोगों को आता है तो पूरा करना है कौन करेगा है ना बीस तक के एलिमेंट याद रहने चाहिए पूरा कर देना है फिर उसके लिए वेट नहीं करना है मैंने आज सीखा है मतलब रेडी करके ही आना है हा ही बे बो का ना ओ -फ नी सो मे ए सी हो क्लो आ ओ के कैल्सियम तक के बीस एलिमेंट हुए तो अगर आप हाही बेबो का ना बोलोगे ना पे नाइट्रोजन सेवन नंबर तो सेवन का डबल मैं डबल से सिखा रहा हूं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार डबल आए सोडियम का इलेवन है तो उसका डबल ट्वेंटी टू होता है लेकिन उसका मास है ट्वेंटी थ्री बट आप थोड़ा याद रखोगे तो याद रह जाएगा कि यस यार डबल तो ट्वेंटी टू हो रहा था तो ट्वेंटी टू से थोड़ा ही ज्यादा है यस ट्वेंटी थ्री क्लोरिन सेवनटीन नंबर पे आता तो थर्टी फोर डबल होता है लेकिन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव देखो याद रहेगा कि नहीं रहे रखने का तरीका मिल जाएगा और कुछ में डबल ही है जैसे छोटे एलिमेंट्स के लिए दस से कम जैसे ऑक्सीजन एट का डबल सिक्सटीन नाइट्रोजन सेवन का डबल कार्बन में ट्वेल्व ओके ट्वेल्व ही सिक्स का डबल ट्वेल्व में बोल दिया सीधा कार्बन का नंबर है तो डबल कितना हो गया ट्वेल्व आया समझ में आया समझ में और ये प्रैक्टिस करनी है आपके पास डायरी होनी चाहिए जिसमें सब लिखा हुआ होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हिलियम लिथियम हाइड्रोजन का वन हीलियम का फोर लिथियम का सिक्स ओके okay? फिर कौन आएगा बेरिलियम का एट बोरॉन का टेन डबल कार्बन का ट्वेल्व नाइट्रोजन का फोर्टीन ऑक्सीजन का सिक्सटीन डबल होता जा रहा है ओके okay? फिर सोडियम में जाके चेंज हो जाएगा ट्वेंटी थ्री हो जाएगा तो एच एन ओ थ्री में देखो वन ऑफ हाइड्रोजन देखो पहले फॉर्मूला बनाया जैसे मैंने लिखा था ना ऐसे यहां पे लिखा था ना अच्छे से वैसे इन लोगों ने पूरा एक सेंटेंस में लिख दिया कि द मास ऑफ हाइड्रोजन द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री इंटू एटोमिक ऑक्सीजन क्योंकि तीन ऑक्सीजन है देखा तो वन फॉर हाइड्रोजन फॉर नाइट्रोजन एंड थ्री थ्री इंटू सिक्स थ्री इंटू सिक्सटीन फोर्टी एट हुआ तो सबको एड करेंगे वन फोर फाइव फाइव एट एट थर्टीन थर्टीन का थ्री कैरी वन 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 टू टू एन फोर सिक्स थ्री एम यू यूनिट लिखना भूल गए मर गए यूनिट नहीं लिखोगे हाफ मार्क्स कट तो यूनिट लिखना जरूरी है दूला यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ व्हिच मास प्रेजेंट इन फॉर्मुला यूनिट ऑफ द कंपाउंड फॉर्मुला यूनिट ऑफ कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड विच मैट विच मास द डिफरेंस दट इज दैट बी यूज फार्म्यूला यूनिट फॉर दोट्यूट पार्टिकल आर आय मोलिकुलर मास ही ऐसा समझ लो लेकिन हम सब मोलिक्यूल्स को मोलिक्यूल नहीं बोल सकते कुछ आयुनिक कंपाउंड होते हैं ना। जैसे एन ना, एस सी एल सोडियम क्लोराइड वो आयुनिक कंपाउंड है तो उसके लिए मोलिकुलर मास बोलने से अच्छा लोगों ने नया टाइम निकाला फॉर्म्यूला मास क्या बोलते हैं वो उसको फॉर्मुला मास जैसे सोडियम क्लोराइड जो है उसमें उसका फॉर्मूला यूनिट क्या है NACL तो एक एन के लिए कितना आएगा 23 और क्लोरीन के लिए कितना आएगा 35.5 दोनों को ऐड कर लिया तो तो 58 58.5 आया है समझ में हाँ या ना तो इन आपको फॉर्मूला मास पूछे या मोलिकुलर मास पूछे आपको एटॉमिक मास का क्या करना है समेशन क्या करना है बोलो कोई डाउट जैसे कि सीए सी एल टू का आपको कौन सा मास पूछा है फॉर्मिला यूनिट मास जिसको आप मोलिकुलर मास भी बोल सकते हो हाँ ना तो एटॉमिक मास ऑफ लेंगे क्योंकि एक ही कैल्सियम तो कैल्सियम तो जो है वो लास्ट वाला था okay, 20. तो ट्वेंटी का डबल कितना आ गया फोर्टी कुछ में नहीं आता है जो याद रखने खुद इस कैल्सियम में ट्वेंटी का डबल कितना आ गया फोर्टी तो फोर्टी हो गया प्लस टू इंटू क्लोरीन का का डबल डबल तो ये दोनों का कितना हो गया बोलो डाउट कन्फर्म पक्का अब एक नया कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट बट उससे पहले आपको ऐसा भी पूछा जाएगा राइट मोलिकुलर मास मैग्नेशियम बड़ा हो जाएगा कैल्सियम नाइट्रेट राइट या कैलकुलेट राइट right भी बोल सकते हैं कैलकुलेट भी बोल सकते हैं कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रेट तो उस वक्त आपको कोई फॉर्मूला दिया नहीं है तो आगे जो हमने किया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में अभी मतलब आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में फॉर्मूला बनाना है एंड देन फिर यू हैव टू कैलकुलेट तो सबसे पहले कैल्सियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा तो सी के ऊपर प्लस टू एनओ थ्री माइनस वन तो सी एनओ थ्री ट्वाइस दट इज द फॉर्मूला हुआ कि नहीं अब आप क्या लिखोगे मोलेक्यूलर मास या फॉर्मूला मास ऑफ सी एनओ थ्री ट्वाइस इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्सियम आएगा फिर एन कितने हैं टू ओ ओ के बाद थ्री है ना तो ऑक्सीजन थ्री हो गए और एन के बाद ब्रैकेट के बाद कौन आ रहा है टू तो टू इंटू एटोमिक मास ऑफ एन प्लस ये तो थ्री थे ही थे बाहर टू टाइम्स थे थ्री टू था सिक्स इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूरा लिख हो गया कैल्सियम का एटोमिक मास नाइट्रोजन का मैथमेटिक्स से पूरा सिक्स ऑक्सीजन का सिक्सटीन चलो तो फिर क्या हुआ भाई फोर्टी प्लस ट्वेंटी एट प्लस 96, 16, 96. आया? 0, 8, 6, 14 हो जाएगा तो इस तरह से chemical formula बनाना एंड एंड फिर molecular mass find करना भी पूछ सकते हैं क्लियर है अब न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज मैं कॉन्सेप्ट आपको कल गाइड करूंगा उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल गाइड करूंगा ताकि चैप्टर क्या हो जाए खत्म और कल ही हम वाई वी विल फॉल बराबर डिसीजिस के बारे इतना ही है ही है समझ में नहीं आया ओके इन शॉर्ट द चैप्टर रिगार्डिंग ओके पूरा डिसीजेस के बारे में आपको गाइड करूंगा बायोलॉजी ओके यू नेक्स्ट लेक्चर गुड बाय टेक केयर थैंक यू